Hey everyone, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम क्वांट फंड्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, क्वांट फंड्स की हिस्ट्री और इवोल्यूशन, इंडिया में क्वांट फंड्स की एंट्री, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं, क्वांट फंड के फीचर्स, दो टाइप के क्वांट फंड्स, सिंगल फैक्टर और मल्टी फैक्टर, क्वांट इन्वेस्टिंग के फायदे और नुकसान, और फाइनली क्या हमें क्वांट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वांट फंड्स की हिस्ट्री और इवोल्यूशन की। सो कई इन्वेस्टर्स की सोच के ऑपोजिट क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग या क्वांट फंड्स की हिस्ट्री ईयर 1934 से चलती आ रही है, जब वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर बेंजामिन ग्राहम ने अपनी पहली बुक सिक्योरिटी एनालिसिस लिखी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिक्योरिटी एनालिसिस क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग की फील्ड में पहला काम था, जहां स्टॉक्स को खरीदने, होल्ड करने और बेचने के लिए मैथमेटिकल यानी क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स के एक सेट को फॉलो किया गया था। बाद में जॉयल ग्रीनब्लैट ने अपने क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल्स तैयार किए और मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग का यूज करके लंबे समय के लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए। उन्होंने द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट बुक में अपने मैजिक फॉर्मूला को समझाया है। लेकिन वो इंसान जिसने सच में अपने अनोखे क्वांटिटेटिव मॉडल्स के जरिए क्वांट इन्वेस्टिंग की फील्ड में अपना इम्पैक्ट डाला है, वो न्यूयॉर्क में बेस्ड क्वांटिटेटिव हेज फंड रिनेसेंस टेक्नोलॉजी के जिम साइमंस हैं। उनके फेमस मेडालियन फंड ने 1988 और 2018 के बीच 30 ईयर्स के लिए 39% CAGR फीस के बाद के धमाकेदार यानी कि माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स जनरेट किए थे। यही कारण है कि साइमंस को वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और खास तौर पर आज तक के सबसे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर के रूप में जाना जाता है। अब इंडिया में क्वांट फंड्स की बात करते हैं। सो इंडिया में क्वांट फंड्स की एंट्री हाल ही में हुई है और इसका कंफर्मेशन इस बात से मिल जाता है कि इसका सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का मामूली साइज का AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट ही है। इंडियन मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टिंग ने लॉन्ग टर्म में बहुत सारे फंड्स के लिए अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसलिए इंडिया के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हासिल करने के लिए क्वांट स्ट्रेटजी थोड़ा समय ले रही है। हालांकि रीसेंट ईयर्स में कई एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए मार्केट को बीट करने वाले रिटर्न हासिल करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में आप क्वांट फंड की अडॉप्शन काफी स्पीड में इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, हम पहले ये जानेंगे कि एग्जैक्टली क्वांट फंड्स होते क्या हैं। सो क्वांट फंड्स क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग क्या है? दोस्तों, इजी लैंग्वेज में बताया जाए तो क्वांट फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें असेट खरीदने और बेचने के रूल्स क्लियरली डिसाइडेड रहते हैं। इसका मतलब कि स्ट्रेटजीज में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। साफ शब्दों में समझें तो क्वांट इन्वेस्टिंग का मतलब पूरी तरह से नॉन डिस्क्रीशन होता है। नॉन डिस्क्रीशन का मतलब होता है कि फंड मैनेजर को आइडियल रूप से ऑपरेशन में अपनी इनसाइट्स का यूज नहीं करना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली रूल बेस्ड होना चाहिए। क्वांट फंड्स एल्गोरिथम या सिस्टमैटिकली प्रोग्राम की गई इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज पर रिलाय करते हैं, जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ह्यूमन फंड मैनेजर्स के एक्सपीरियंस, जजमेंट या ओपिनियंस का यूज नहीं करते हैं। क्वांट फंड एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडल्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के यूज के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। मैनेजर्स अपने इन्वेस्टमेंट को चुनने के लिए एल्गोरिथम और कस्टम बिल्ट कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स का यूज करते हैं। मार्केट डेटा की बढ़ती अवेलेबिलिटी के कारण इन्वेस्टर्स फंड के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ फोकस शिफ्ट कर रहे हैं और उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। हालांकि क्वांट फंड्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस का यूज नई बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्वांट फंड के फीचर्स। फर्स्ट है प्रेडिक्टेबल आउटकम। पोर्टफोलियो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस या एक डिफाइंड मेथडोलॉजी और अप्रोच को फॉलो करता है। इसके अलावा क्वांट फंड्स टिपिकल म्यूचुअल फंड्स के जैसे फंड मैनेजर के मार्केट आउटलुक या उनके डिसीजंस पर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट फीचर, नो ह्यूमन बायस और प्रेजुडिसेस। ये एक काफी फेयर ऑब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं और बिहेवियरल बायसेस दैट इज ह्यूमन बायसेस का उन पर कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। सो क्वांट पोर्टफोलियो बहुत सी टेस्टिंग और डेवलपमेंट के बाद रिलीज किए जाते हैं, जो इन्हें आसानी से स्केलेबल बनाता है। डिजाइन्स कुछ मार्केट्स पर बेस्ड होती हैं
और उन मार्केट्स में स्केल करने के लिए बनाई जा सकती हैं। बेसिकली ये कई इन्वेस्टर्स की क्वांट इन्वेस्टमेंट जरूरतों को पूरा करते हैं क्योंकि मॉडल को तेजी से स्केल किया जा सकता है। नेक्स्ट है पास डेटा एनालिसिस। सो क्वांट फंड मॉडल्स पुराने डेटा और मैथमेटिकल मॉडल्स पर बेस्ड होते हैं जो टाइम के साथ प्रूव किए जा चुके हैं, इसलिए गलत डेटा या मार्केट में अचानक डिस्ट्रप्शन के कारण कैपिटल फ्लो में इरेगुलरिटी या फॉल्स मूवमेंट जैसे कि वेरिएबल्स के अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स क्वांट फंड मॉडल के अलग तरह से बिहेव करने का कारण बन सकते हैं और इसके कारण अनफेवरेबल या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ट्रिगर हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है ब्लैक बॉक्स अप्रोच। सो क्वांट फंड्स के फंड मैनेजर्स अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं क्योंकि क्वांट फंड मैनेजर्स अपने कामकाज या फिर डिजाइन को बहुत ही कम शेयर करते हैं। इस वजह से ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण ये इन्वेस्टर्स के लिए एक ब्लैक बॉक्स साबित होता है। तो अब समझते हैं क्वांट फंड्स की पॉपुलैरिटी में इंक्रीज के बारे में। सो पिछले कुछ सालों में इंडिया में क्वांट फंड्स के पॉपुलर होने के कुछ मेन रीजंस हैं, जैसे कि कई यंग टेक सेवी इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस, काफी सारे स्टार्टअप्स क्वांट अडॉप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, कई एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स ने अपने बेंचमार्क से कम परफॉर्मेंस दिया है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड SIP जो कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, PMS यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और फैमिली ऑफिसेस ये क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग को ट्राई कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं क्वांट फंड्स के टाइप्स के बारे में। सो क्वांट फंड्स फंड मैनेजर की इन्वेस्टिंग प्रोसेस के बेसिस पर सिंगल फैक्टर क्वांट मॉडल या मल्टीपल फैक्टर क्वांट मॉडल पर बेस्ड हो सकते हैं। सिंगल फैक्टर क्वांट्स में आमतौर पर PE रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के थ्रू एक्सप्रेस किए गए वैल्यूएशंस, PB रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो, डिविडेंड यील्ड और इस तरह के रेशियोज पर फोकस किया जाता है। सो फंडामेंटल्स की बात करें तो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटसेट्रा जैसे रेशियोज के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं। वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है। क्योंकि ये फैक्टर्स अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए फाइनल पोर्टफोलियो में इन फैक्टर्स के बेसिस पर टॉप कंपनीज को रैंक किया जाता है और चूज किया जाता है। हालांकि मल्टी फैक्टर क्वांट्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उनमें दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स को एक साथ कंबाइन करने पर फोकस किया जाता है। इसका एम हाई रिटर्न और लोअर रिस्क के जरिए बेटर रिजल्ट्स पाना होता है। तो क्वांट इन्वेस्टिंग के फायदे और नुकसान समझते हैं। दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वांट इन्वेस्टिंग के फायदे और नुकसान यानी कि प्रोज एंड कॉन्स के लिए एक टेबल तैयार की है। सबसे पहले समझते हैं क्वांट इन्वेस्टिंग के फायदे। सो यहाँ पे गलतियों का या मेरे के डाउनसाइड्स का कम चांस होता है, यहाँ पे रिस्क कंट्रोल स्ट्रॉन्गर होता है, इसकी कॉस्ट लो होती है और बायस इन्वॉल्व भी यहाँ पे लो होता है। अब क्वांट इन्वेस्टिंग के नुकसान यानी कि कॉन्स समझते हैं। यहाँ पे प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स एक हाई पोटेंशियल वाले स्टॉक को फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ अनफोर्सीन इवेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। कुछ लोग इसके रिसेशन प्रूफ होने का दावा करते हैं जबकि ऐसा नहीं है। और लास्ट नुकसान ये है कि हमेशा प्रॉफिट या बेटर परफॉर्मेंस इंश्योर ये नहीं कर सकता है। नाउ क्वांट फंड में किससे निवेश करना चाहिए? तो दोस्तों क्वांट फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही ऑप्शन है क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के रिवॉर्ड्स पाने में टाइम लगता है। इसके अलावा ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो इस स्ट्रेटजी को समझते हैं। साथ ही साथ ह्यूमन बायस को मिनिमाइज करने से हाई रिटर्न की गारंटी नहीं मिलती है। ऐसे फंड्स पुरानी परफॉर्मेंस और अदर क्राइटेरिया पर बेस्ड होते हैं जो फ्यूचर आउटकम्स के एक्यूरेट इंडिकेटर्स नहीं होते हैं। इस वजह से क्वांट फंड में इंटरेस्ट रखने वाले इन्वेस्टर्स को इस इन्वेस्टमेंट से लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस ही रखनी चाहिए। आपको ये बात समझनी होगी कि क्वांट फंड से मिलने वाले रिटर्न्स डेटा की क्वालिटी, बनाए गए मॉडल की क्वालिटी, बैक टेस्ट्स की क्वालिटी और मशीन लर्निंग में फाउंडिंग टीम के बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। इसलिए सही क्वांट फंड चुनने के लिए आपका इन फैक्टर्स पर गौर करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। दोस्तों अब आपको अच्छे से पता चल गया है कि क्वांट फंड्स आखिर क्या होते हैं, राइट? इसलिए अब आप तैयार हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि आपको क्वांट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। सीधी तरह से समझें तो क्वांट इन्वेस्टिंग एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टिंग स्टाइल है जहां आपकी डाउनसाइड कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहती है। अगर आप फंड मैनेजर रिस्क से बचना चाहते हैं और कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में डिसेंट रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपको क्वांट फंड जरूर इवैल्यूएट करना चाहिए। और ये सारे क्वांट फंड्स हमारे ग्रो ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल हैं। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड
ढेर सारा कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी जाइए और ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.